एवरीवन, सो अब हम चर्चा करेंगे अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन पेपर की एक डिज़ाइन, एक प्रोफार्मा, एक फॉर्मेट देख लिया, अब आपको ये देखना है कि बेसिकली ये वन मार्कर्स हैं, ये टू मार्कर्स हैं, या ये थ्री मार्कर्स हैं, फाइव मार्कर्स हैं, कैसे। सो जो भी है, ये हम इन क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, जिससे कि आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो प्लीज़ आप उन लेसन्स पे जाइए, उन्हें रिवाइज करिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल हैं ये क्वेश्चंस, बहुत टफ़ नहीं हैं। ये सोचना नहीं है कि यार क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है तो बहुत टफ जा रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन हैं आपके। जैसे देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है आपका मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट करना है हमको मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने पहले भी ये बताया था कि कैलकुलेशन आती है। सो H2O की बात अगर हम करें, कुछ भी नहीं है भाई, H2O है। अगर आप एटॉमिक मास देखोगे तो 2 × 1 यानी कि हाइड्रोजन का हो गया, एंड इसी तरह से आपको अपने ऑक्सीजन का लेना है। तो हाइड्रोजन के कितनी यूनिट्स हैं यहाँ पे? 2 यूनिट्स हैं, यानी कि एटॉमिक मास जो भी हाइड्रोजन का होगा उसमें आपको 2 × 2 कर देना होगा। उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन की बात कीजिए, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख सकते हो, अगर आप उसके बाद ऑक्सीजन की बात कीजिए तो वो कितनी यूनिट्स में है? वो केवल 1 यूनिट में है, क्योंकि यहाँ और कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा आसपास ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अगर आप इनके यूनिट्स की बात करते हो तो ये हो जाता है 1.008 जनरली, जो आप हाइड्रोजन का ले रहे होते हो। 4 लिखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसके बाद तो कितने भी नंबर आ जाएं, आपको केवल राउंड अप करना है। ओके, देन आपके इस ओ की बात हो गई, 6.00। अच्छा, यू जो है इसकी यूनिट होती है, एटॉमिक मास की यूनिट। मैंने पहले ही ये बताया था कि एटॉमिक मास की यूनिट ही आपकी यू होती है, या आप AMU लेते हो नॉर्मली। तो कहीं अगर आपका यू लिखा है तो एकदम टेंशन में मत आइएगा, ये नॉर्मली वही चीज़ फॉलो कर रहा है। ओके, अब अगर आप इसको इंटू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट 2 के बराबर चीज़ें आ रही हैं, एंड देन 16.00, एंड देन ये जो 18.02 आ रहा है, क्योंकि इसका इंटू यहाँ पे हो रहा है ना। ये कुछ अगर आप देखिए तो इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी 2.016 ऐसा कुछ आ रहा है। फिर आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास 18.016 आएगा, एंड देन आप इसको राउंड ऑफ करो तो राउंड ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये 5 से बड़ा है ये नंबर, दैट 6। तो राउंड ऑफ होने के बाद क्या होता है, एक नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ से एक नंबर इंक्रीज कर गया 02। आपको इससे मतलब है, इस कॉन्सेप्ट से मतलब है कि आपको बेसिकली मॉलिक्यूलर मास को डील कैसे करना है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट H2O का। अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो वो कैसे होगा? सो सेकेंड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, द नेक्स्ट पार्ट CO2, द नेक्स्ट स्लाइड, यस, यहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा होगा। अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कीजिए तो क्या दिख रहा है भाई? कार्बन की एक यूनिट है, दिस टाइम ऑक्सीजन टेक्स 2 यूनिट्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन ने 2 यूनिट ले लिए है, यानी कि 16 × 2 आप 2 से कर दो। और रही बात कार्बन की, तो इट्स वेरी इजी, कार्बन आपका 12 हमेशा से ही रहा है ना। पॉइंट के बाद बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं इसलिए आप ले सकते हो। बाय द वे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड देन आपका ये 2 × 16 हो जाता है। यहाँ पे 1 इसलिए क्योंकि कार्बन की केवल एक यूनिट प्रेजेंट है, ओके। एंड कहीं भी यू लिखता है तो आप समझ जाइएगा दैट इज़ AMU, ओके। अब इसको आप कैलकुलेट पूरा करोगे, एंड देन कैलकुलेशन के बाद कहीं ना कहीं 44 आ जाता है, और यही हर जगह यूज होता है। प्लीज़ इसको कुछ कुछ यूनिट्स, कुछ कुछ फॉर्मूले, कुछ कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास आपको रटे होने चाहिए एक तरह से। जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर जगह आ जाती हैं भाई। कहीं भी ले लिया कि इनके मॉलिक्यूल्स निकालिए, अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आ रहा। सो दैट इज़ द टेक्निक, दैट इज़ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग योर मॉलिक्यूलर मास। लास्ट वन इज योर मीथेन। सो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? मैंने फॉर्मूला जानबूझ के इसीलिए नहीं लिखा कि आप भी कुछ कोशिश करो। हालांकि मीथेन बहुत सिंपल होता है, जो कि राइस फील्ड्स में पाया जाता है आपके, या किसी ऐसी जगह जहां डंपिंग हो रही हो वहां से भी आपका ये CH4 निकलता है। ये तो थोड़ी बेसिक बातें हो गई, चलिए कोई बात नहीं, हम इसकी बात करते हैं। अब इसमें भी हम यूनिट्स देखते हैं, तो कार्बन की कितनी यूनिट दिखाई दे रही? ओनली 1। देन आपको हाइड्रोजन की कितनी यूनिट दिखाई दे रही है? 4। अगेन द सेम प्रोसेस,
तो इसको मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा है आपकी स्क्रीन पे, नो डाउट्स, वो तो आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी आपके बुक में लिखे रहते हैं, बट बावजूद इसके वो समझ में क्यों नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि तरीका अलग होता है ना। सो ये हो गई एक यूनिट, ये हो गई चार यूनिट, यानी कि वन और फोर को आपको देखना है। अब इनके बगल में क्या चीज़ है ये पता होना चाहिए बस। तो हाइड्रोजन का एकदम दिमाग में बैठा लीजिए 1.008, एंड देन आपके कार्बन का 12 से रिलेटेड होता है, इसको भी आप ऐसे ही इंटू करोगे एंड देन 16 निकल के आ जाएगा। तो 16 अगर आपको याद आ रहा हो तो हाइड्रोजन से भी सॉरी ऑक्सीजन का भी होता है, ठीक है। ये यू में इसलिए हैं क्योंकि ये एम यूज़ है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन।